हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आई एम शेफ कृष्णा और आज मैं लेकर आई हूँ एक ट्रेडिशनल यमी रेसिपी। फ्रेंड्स, ये मेरी माँ की रेसिपी है और मेरी माँ सर्दियों में ये जरूर बनाती थी। पौष का महीना होता है तो बंगालीज का ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, आज मैं ये बंगाली स्पेशल ट्रेडिशनल रेसिपी देने जा रही हूँ। ये है स्पेशल पार्टी सप्ता, जिसके लिए दूध की खीर बनाई जाती है और मेरी माँ बहुत दिल से बनाती थी ये। सो आज मैं खजूर गुड़ और दूध के पूर से जो पार्टी सप्ता बना रही हूँ, रियली उसकी टेस्ट बहुत यमी है। देखिए कितना यमी है, अंदर का पूर इतना अच्छा होता है कि आप अपने आप को खाने से नहीं रोक सकते बिल्कुल। सो देखिए इतना यमी डिलीशियस पार्टी साप्टा मैं आज लेकर आई हूँ इसकी रेसिपी। जैसे मेरी माँ बनाती थी वैसे ही मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत यमी होता है और इस विंटर सीजन में जरूर बनाया जाता है, बहुत डिलीशियस होता है। आप इसको कई दिनों तक रख के भी खा सकते हैं। ये फ्रिज में आप रखते हैं तो काफी दिनों तक रह जाता है और यदि बाहर रखते हैं तो भी ये 10 से 15 दिन तक आप खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैजिक किचन के साथ बनाइए मैजिकल रेसिपी। हम करते हैं मैजिक अपने फूड में, अपनी रेसिपीज में। बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा फॉर मोर वीडियोस। चलिए फ्रेंड्स, हम बना लेते हैं दूध और खजूर गुड़ से पूर यानी खीर सा, इसको खीर भी कहते हैं और ये बहुत यमी होता है। इसको कई तरह से आप स्टफिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 किलो दूध ले रही हूँ और ये फुल क्रीम दूध है। इस 2 किलो दूध से हमें बनाना है खीर सा। सो ये खीर हम बनाएंगे खजूर के गुड़ से। सो सबसे पहले इसको बॉईल आने देंगे इस दूध को, और इसको हम बहुत थोड़ा सा यानी 2 किलो का 1 किलो होने तक पकाएंगे। इधर हमने थोड़ा सा गर्म दूध ले लिया और इस गर्म दूध में हम 1/4 कप राइस फ्लावर चावल का आटा ऐड कर रहे हैं। ये चावल का आटा आप बाजार वाला भी ले सकते हैं और घर पे बना के भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे बाजार वाला आटा ले रहे हैं। सो ये 1/4 कप हमने आटा लिया है, इसको इस गरम दूध में मिक्स कर लेंगे। एकदम से आप यदि पूरे दूध में डालेंगे तो वो अच्छे से मेल्ट नहीं होगा, गुठलियाँ पड़ जाएगी, इसलिए पहले उसे थोड़े से गरम दूध में मिला लें। तो ये मैंने गरम दूध में मिलाकर रख लिया चावल का आटा, और दूसरा मैंने गरम दूध लिया है, इसके अंदर मैं मेल्ट कर लूंगी खजूर का गुड़। ये खजूर का गुड़ विंटर में खाया जाता है क्योंकि ये इसमें बहुत गर्माहट होती है और बहुत सारे न्यूट्रिशंस इसमें होता है और बहुत एनर्जी ये इस गुड़ की वजह से आ जाती है। इस वजह से सर्दियों में ये गुड़ जरूर खाया जाता है, खीर और इस तरह के पीठा बनाकर यूज किया जाता है। ये बंगाल का बहुत स्पेशल है, ट्रेडिशनल चीजें हैं जो कि अब बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन इसे जरूर बनाना चाहिए क्योंकि हम अपने ट्रेडिशन को बनाए रखें। तो देखिए ये गुड़ मेल्ट हो गया बहुत अच्छे से, और गुड़ मेल्ट होने के बाद जब हम इसको दूध में मिलाएंगे गाढ़े दूध में तो दूध फटेगा नहीं और इजीली मिक्स हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि खजूर का गुड़ मिलाने से दूध फट जाता है। सो देखिए ये दूध काफी गाढ़ा हो गया है, हम लगातार इसको चलाते हुए उबाल रहे हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो जाए। देखिए कितना अच्छा बॉईल आ रहा है, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये इलायची। ये हमने 3 इलायची क्रश करके रखी है, सो हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हमने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, आप फ्रेश कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं।
देखिए बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है और ये अच्छे से मिक्स हो रहा है इसके अंदर। अब हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट जब आप स्वीट में ऐड करते हैं तो उसका जो स्वीटनेस है वो और बढ़ जाता है। सो पिंच ऑफ सॉल्ट हमने ऐड कर दिया। दूध 2 किलो से 1 किलो रह गया है और काफी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने चावल का आटा दूध के अंदर मिक्स करके रखा था ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये धीरे धीरे ऐड करें और साथ में इसको अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये देखिए हमने पूरा चावल का आटा जो दूध में मिक्स करके रखा था उसको हमने मिला दिया। ये हमने तब मिलाया जब हमारा 2 किलो दूध 1 किलो रह गया। तो ये देखिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं और चावल का आटा मिलाने के बाद ये बहुत जल्दी जल्दी गाढ़ा होने लगता है। तो देखिए आप कितना गाढ़ा हो गया है ये, और बहुत अच्छी उबाल आ रही है इसमें। और ये अब 1 किलो दूध से ये और कम हो गया है, 3/4 रह गया। हमने इसमें ऐड कर दिया अमूल का घी, जो कि हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इस घी को ऐड करने के बाद एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और ये जो खीर है वो इतना यमी बन जाएगा, जरूर मिलाकर देखिएगा। तो ये मेरी माँ 1 चम्मच घी जरूर मिलाती थी जब वो खीर बनाती थी। तो ये देखिए काफी गाढ़ा हो गया है, और गाढ़ा हो गया है, लगभग आधा रह गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे ये खजूर का गुड़, जो कि हमने दूध में मिक्स करके रखा था। ये हम धीरे धीरे ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर बाकी का भी ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत ध्यान रखना होता है। खजूर का गुड़ मिलाने के बाद क्या होता है कि दूध जो है वो फट जाता है। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि खजूर का गुड़ जो है वो धीरे धीरे मिलाएं और उसको लगातार चलाएं, जिससे दूध नहीं फटेगा। और जब अच्छे से बॉयल आ जाए तब फटने का डर बिल्कुल नहीं होगा। तो ये देखिए हमने फ्लेम को लो करके इसमें ये दूध मिक्स किया है, खजूर का गुड़ मिक्स किया है, और अब हम इसको उबाल आने तक हम इसको मिलाएंगे। तो देखिए ये हम इसको मिला रहे हैं, उबाल आने तक हम इसको मिलाएंगे। ये देखिए दूध बिल्कुल नहीं फटा है और ये हम इसको मिला रहे हैं ताकि अच्छे से उबाल आ जाए इसमें, क्योंकि खजूर का दूध हमने गुड़ हमने दूध में मिलाया था। देखिए उबाल आ चुका है बहुत अच्छे से और दूध बिल्कुल नहीं फटा है। अब हम इसको लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। ये देखिए अब ये बहुत गाढ़ा हो चुका है और इस समय क्या होता है कि बबल्स आते हैं खूब। तो इस समय अपने आप को बचाकर आप इसको चलाइएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस से चलाइएगा, नहीं तो छींटे पड़ेंगे, आपको जलने का डर रहेगा। सो अपने आप को बचाते हुए इसको गाढ़ा करें। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है ये। तो ये खीसा स्पेशल होता है जो कि बहुत सारे जो पीठा है उसमें यूज किया जाता है। जैसे मुगेर पुली बनाती है हमारी माँ, उसकी रेसिपी भी मैं दूंगी आपको। ये देखिए खीसा हमारा रेडी हो गया है और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। सो इस तरह का हम खीसा बनाएं और इस खीसा से हम कई तरह की चीजें बना सकते हैं। सो चलिए अब हम बना लेते हैं डो। एक हम पाटी सापटा बना रहे हैं तो हम एक बैटर बनाएंगे जिससे पाटी सापटा बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिया चावल का आटा, हमने लिया है मैदा और हमने लिया है सॉल्ट और मिल्क पाउडर। हमने कैमल मिल्क का पाउडर लिया है। ये देखिए कैमल मिल्क पाउडर हम ऐड कर रहे हैं। सो ये कैमल मिल्क पाउडर बहुत यमी होता है, बहुत हेल्दी भी। सो ये कैमल मिल्क पाउडर जरूर यूज कीजिए आप, आपको इतना अच्छा लगेगा, ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। तो मैं यहाँ पे कैमल मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ में ऐड कर रही हूँ पानी।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है चावल का, और मैंने तकरीबन आधा कप लिया है मैदा। और देखिए इसको हम ऐड कर रहे हैं अच्छे से। दूध मैंने तकरीबन आधा कप लिया है, और सॉल्ट पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो पानी हम उतना ही लेंगे जितना बैटर बनाने में जरूरत हो। ये पानी गुनगुना पानी है, ठंडा पानी नहीं यूज करें। जब जितना आप गुनगुना पानी यूज करेंगे उतना अच्छा आपका बैटर बनेगा। सो देखिए ये हमने मिक्स कर दिया अच्छे से। मैदा हमने इसलिए यूज किया क्योंकि इससे जो पीठा है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बाइंडिंग भी अच्छी आ जाती है। सो चावल का आटा हमने बाजार वाला लिया है, आप चाहें तो घर में भी चावल का आटा तैयार कर सकते हैं। तो इस इम्पॉर्टेंट है कि इसको अच्छे से विस्क कर दें, और हम इसको अच्छे से विस्क कर रहे हैं जिससे ये अच्छा सा घोल तैयार हो जाए। हम आपको दिखाते हैं कि कैसा घोल चाहिए। हमें ऐसा घोल चाहिए ना बहुत गाढ़ा और ना ही पतला। तो ये इस तरह का बैटर हमें चाहिए, जैसे डोसा का बैटर होता है ना, एज इट इज हमें बैटर चाहिए। अब इसमें हमने मैदा मिलाया है, सो हम इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे। दैट मीन्स कि आधा घंटा तकरीबन हमें इसको रेस्ट देना होगा जिससे ये अच्छे से तैयार हो जाएगा फ्राई होने के लिए। तो ये आधा घंटा हम इसको रख देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, चेक करेंगे, मिक्स करेंगे। यदि जरूरत हुआ तो पानी ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं ऐड करेंगे। सो हम इसको ढक के रख दिया हमने। देखिए आधा घंटा हो गया है और बैटर हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे हम एक नॉन स्टिक पैन ले और उसके ऊपर अच्छे से ऑयल ब्रश कर दें। अच्छा होगा कि कपड़े में ऑयल लेकर उससे ब्रश करें। और ये देखिए बैटर बिल्कुल सही है, इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह का बैटर हमें चाहिए। तो इस तरह का हम 2 चम्मच बैटर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही बैटर चाहिए। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है फ्रेंड, तो मैं थोड़ा सा पानी, मामूली सा पानी हमने इसमें ऐड किया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब मैं ये इसके अंदर 2 चम्मच बैटर डाल दूंगी, और उसके बाद इस तरह से इस बैटर को फैला दूंगी। ये बहुत इजी है बनाना, जरूर बनाएं। सो देखिए ये अच्छे से फैला दिया है हमने। अब इसको जब तक ऊपर का रंग चेंज नहीं होता तब तक हम पकाएंगे। ऊपर का कलर जैसे ही चेंज होगा वैसे ही जो हमने खीरसा बनाई है वो खीरसा हम इसके ऊपर लंबा करके लगाएंगे, जैसे डोसे में आलू लगाते हैं ना, एज इट इज। ये देखिए ये खीरसा अब हम लगा रहे हैं, ऊपर का रंग चेंज हो चुका है। सो इस तरह से हम लंबा करके खीरसा लगा देंगे। अब इस तरह से पलटे से थोड़ा सा साइड से उठा देंगे, उठा के इसको ये इजीली निकल जाएगा। थोड़ा सा हम इसको मिला देते हैं और इस तरह से हाथ से हम रोल करके बना देते हैं। यदि आपको हाथ से बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप उसी चम्मच को यूज करके बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बनकर रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारे जो पार्टी सप्ता है वो बना के रेडी कर लेंगे। और सारे पार्टी सप्ता हमारे रेडी हो गए हैं, हम इसे प्लेट कर देते हैं। देखिए कितना यमी है, इसे गर्म भी खाया जाता है और ठंडा भी खाया जाता है, बहुत यमी होता है। पौष के महीने में जरूर बनाया जाता है बंगाल में पीठा, ताकि ये जो खजूर का गुड़ है वो कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दूध से बनी हुई चीजें बहुत फायदा करती है,
इस वजह से ये बंगाल का ट्रेडिशनल है। सो ये ट्रेडिशनल चीजों का अपना आनंद होता है और हमारी दादी नानी मम्मी इसे बनाती थी, तो हमें भी बनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपने कल्चर को अपने फूड को समेट कर रखे। सो फ्रेंड्स जरूर बनाइए इस तरह से ये पाटी सत्ता, और वो भी खजूर के गुड़ और दूध से बना हुआ खीरसा। तो ये खीरसा से बना हुआ जो पाटी सत्ता है वो बहुत यम्मी लगता है। हमारी माँ नारियल के पूर से भी बनाती थी, सो मैं नारियल का पूर की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो ये खीरसा की जगह आप नारियल का पूर यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत यम्मी है, आप ऐसे बनाएं चाहे नारियल से बनाएं। बहुत लोग नारियल का पसंद नहीं करते, खीरसा सभी पसंद करते हैं, सो इस तरह से आप बनाइए।